हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज करते हैं और उस फोन में लॉक, पिन लॉक, पहचान लॉक, पासवर्ड लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक लगाते हो, तो अचानक कभी भी आपसे गलती से आपका फोन का पासवर्ड ही भूल जाते हो, तो जिसके कारण से आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पाते और यहाँ पे तरह तरह का रॉन्ग पासवर्ड भी यूज करने लगते हो। कुछ इस तरह से जो कि हमें याद नहीं होता, फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं, फिर भी हमारा फोन जो है वो लॉक ही रहता है। और कुछ समय बाद ज्यादा रॉन्ग पासवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पे टाइम होने लगता है। पर ऐसा हमको कभी भी गलती नहीं करना। अगर आपका फोन लॉक हो जाता है कोई भी कंपनी का, जिसके कारण से आपका डाटा, एप्लीकेशन, फाइल, इमेज, वीडियो जो भी है वो डिलीट हो जाता है, कहीं पे भी सर्विस सेंटर पे जाके अपने फोन को अनलॉक करने का ट्राई करते होंगे या कहीं पे आसपास के लोकल रिपेयरिंग दुकान पे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ना, इस वीडियो में आपको पैसा लगने वाला है और ना ही डाटा डिलीट होने वाला है और ना यहाँ पे आपका ज्यादा समय वेस्ट होगा। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट का समय है तो प्लीज ये वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप किसी भी कंपनी के फोन में लगे हुए लॉक को आप घर बैठे ही आसानी से अनलॉक कर सकेंगे, वो भी विदाउट डाटा लॉस और बिना कंप्यूटर की मदद से। तो कैसे करते हैं फोन को अनलॉक, आइए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहले नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है ना फ्रेंड। अगर सब्सक्राइब नहीं करना हो तो प्लीज लाइक करके एक मोटिवेट कर सकते हो, प्यार भी दे सकते हो, बस हमें मोटिवेट का जरूरत है, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा अपने फोन को अनलॉक करने के लिए, पहला ऑप्शन है आप अपने फोन का एयरप्लेन मोड हमेशा ऑन रखिएगा, अगर अभी भी ऑफ है तो ऑन कर लीजिएगा। ये काम करने के बाद एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट करके ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद आपका फोन ऑन होने के बाद आप आइएगा लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पे पिन, बटन, पासवर्ड जो भी अनदर लॉक लगाए होंगे आपने, बस आपको सिंपली इमरजेंसी कॉल का हेल्प लेना है। और आपको यहाँ पे एक मैं कोड देता हूँ जो कि सर्विस सेंटर का कोड है, ये कोड जून सीजन का है 2023 का। ये कोड को एक्टिवेट करने में आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये एक्टिवेट कैसे होगा, क्यों होगा, काहे होगा, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ये कोड एक्टिवेट होते ही आपका सर्विस सेंटर से फोन ज्वाइंट हो जाएगा, जिसके कारण से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, अभी बिना पैसा को वेस्ट किया और डाटा को भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा। बस ये कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, कॉल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे सर्विस सेंटर से, आपको यहाँ पे परमिशन में ओके कर देना है, इस कोड को इरेज कर देना है। ये इतना काम करने के बाद यहाँ पे एक मार्शल लुकिंग कोड मिलेगा, *899 और ये है। ये कोड को डायल करते ही आप इंजीनियर मोड के फाइल ओपन होगा, यहाँ पे फाइल ओपन होते ही यहाँ पे मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है, सेकंड नंबर डिवाइस पे आना है आपको, बस यहाँ पे सेंसर सेल टेस्ट कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे फोन में 2 तरह का सेंसर मिलेगा, आपके फोन में भी अंदर बहुत ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके फोन में जितना उपलब्ध है सबको स्टार्ट कर देना। नॉट स्टार्ट होगा यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर देना, कोई ना कोई एक टेस्ट पास हो जाएगा। अगर पास नहीं होता है तो यहाँ पे आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे पास होगा तभी यहाँ पे हमारा वर्क जो है कन्फर्म होगा। फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जायस्कोप का जो है टेस्ट हुआ, पास हो गया। बस जायस्कोप को यहाँ पे ओपन करना है, बस आपको यहाँ पे जायस्कोप को ओपन करने के बाद ये ग्राफ को क्लिक कीजिए, आपके फोन में ये अनलॉक का प्रक्रिया जारी हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड वेट कीजिए, 5 सेकंड में आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। बस आपको होम बटन क्लिक करना है और आपका किसी भी कंपनी का हैंडसेट जो है वो अनलॉक हो जाएगा घर बैठे विदाउट डाटा लॉस, बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।